हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा पीने का बहुत मन होता है। आज हम आपके लिए लाए हैं सत्तू और सत्तू से बनने वाली ड्रिंक, जो कि है सुपर हेल्दी और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए फायदेमंद। हम हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, पर जो हमारे यहाँ दादी और नानी से रेसिपीज चली आ रही हैं, अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही ये सत्तू ड्रिंक लाए हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमने यहाँ पर लिए हैं रोस्टेड चना, यानी जो काले वाले चने होते हैं उन्हें भुना जाता है और ये रोस्टेड चने कहलाते हैं भूंगड़े या फिर भुने हुए चने। आप चाहे तो इस तरह के छिलके वाले चने भी ले सकते हैं और उनका छिलका हटा के इन्हें काम में ले सकते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर एक कप भुने हुए चने। इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं, लेकिन एक बार और रोस्ट करने से इनमें थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है और जो हल्की सी मॉइस्चर इसमें ट्रैप हो जाता है वो हट जाएगा। तो इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। चने के अपने बेनिफिट्स है, ये लो इन कैलोरीज है, रिच इन आयरन है और भी बहुत सारे इसके अपने फ़ायदे हैं। तो चलिए रेडी है, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में हम लेंगे बादाम, यानी कि एलमंड्स, करीब 15 से 20, और इन्हें भी लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये सत्तू बहुत ही फिलिंग है और काफ़ी समय तक ये आपको फिल रखेगा और ठंडक भी देगा। बादाम को भी हम हल्का सा भून लेंगे। देखिए तैयार है, इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में हम रोस्ट करेंगे पोहे, यानी कि बीटन राइस। ये नॉर्मल मीडियम थिक पोहा है जो हम नाश्ते के लिए पोहा बनाते हैं उसमें यूज लेते हैं। बीटन राइस ऐड करने से, यानी कि पोहा ऐड करने से सत्तू में थिकनेस आती है। और अगेन पोहे के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये गुड कार्बोहाइड्रेट्स कैरी करता है, रिच इन आयरन है। देखिए पोहा रोस्ट करते समय हमें बस इसे कंटिन्यूसली चलाना है, जिससे कि ये जले ना। इस तरह से इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम हल्का भून लेंगे और आप देखेंगे कि इस तरह से हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि पोहे भी बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं। चलिए गैस ऑफ कर लेते हैं और इन्हें भी एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इन्हें हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। एक बार जब ये ठंडे हो जाएंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे और एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हमारा सत्तू पाउडर बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें एक बार ग्राइंड कर ले और फिर एक बार छान ले और इस तरह का फाइन पाउडर तैयार कर ले। तो हमारा सत्तू पाउडर तैयार है। अब इस सत्तू पाउडर से बनने वाली हम ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। आज हम मीठी और थोड़ी सी नमकीन दोनों तरह की ड्रिंक बनाएंगे। बहुत तरह का सत्तू हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लास में एक पोर्शन के लिए हम करीब 2 से 3 टेबल स्पून सत्तू पाउडर ऐड कर लेते हैं। और सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसमें सत्तू पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये बिना गुठलिए पड़े अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत तरह का सत्तू बनता है। कुछ लोग ज्वार का सत्तू बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ चने का सत्तू बनाते हैं। तो आप जो भी कॉम्बिनेशन अपने पास हो वो ले सकते हैं। चलिए ये तैयार है और जैसे जैसे इसमें देखिए पोहा सोक होगा और ये थिक होगा। नमकीन सत्तू बनाने के लिए हम ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 टीस्पून और कुछ फ्रेश मिंट लीव्स। गर्मियों में मिंट से बहुत ही अच्छा टेस्ट और ठंडक रहती है। इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 लेमन का जूस। लेमन हमें हाइड्रेटेड रखेगा और साथ ही फ्रेशनेस भी लाएगा। मीठे सत्तू बनाने के लिए हम दूसरी ग्लास में ऐड कर लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर्ड शुगर। आप इसकी जगह मिश्री भी ऐड कर सकते हैं या हल्का सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़े से इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़ी सी देर ये सोक हुआ है, उसमें पोहे के कारण इसमें काफ़ी अच्छी थिकनेस आ गई है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस सत्तू पाउडर को आप मिल्क या वाटर के साथ बॉईल करके 1 साल से बड़े टॉडलर को भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटके का ठंडा ठंडा पानी। आप इसमें चाहे तो आइस भी ऐड कर सकते हैं, पर यकीन मानिए मटके के पानी से भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। हमारी सत्तू ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। इस गर्मियों में ये सत्तू आप ज़रूर ट्राई करें। इसे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में कैरी भी कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नमकीन या फिर मीठा सत्तू बना के पी सकते हैं।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर तो करना ही है। चलिए हम मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।